नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको सारी चीज़ें जेन्युइन मिलेंगी। और अगर आप टीचिंग लाइन से हैं तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, वही खबर है, आपको अभी बता देता हूं। इससे पहले आपको बताना चाहता हूं, जो साथी घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाना चाहता है अनअकैडमी पे, वो मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकता है। कुछ नहीं करना, घर बैठे आराम से जब मन हो पेज में लिख के उनकी ऐप में जाके टॉपिक समझाना है। कोई भी टॉपिक, हिंदी, इंग्लिश, जीके, जो भी टॉपिक आप करा सकें वो करा सकते हैं। बस आपके पास वैलिड आईडी प्रूफ होनी चाहिए, आधार कार्ड भी होना चाहिए, पैन कार्ड भी होना चाहिए, और आपका अकाउंट होना चाहिए। ये थर्ड पर्सन कोई भी नहीं देखेगा, उनकी ही ऐप में जाएंगे और मैं भी नहीं देखूंगा। तो साथियों, अगर आपके पास ये आईडी है और आप पढ़ाने में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कांटेक्ट नंबर है। तो साथियों, अभी आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। 13,746 जो गेस्ट टीचर हैं जल्द ही पक्के होने वाले हैं। आपने न्यूज़पेपर में देख लिया होगा, हरियाणा सरकार, खट्टर सरकार गेस्ट टीचर्स को तोहफा देने वाली है। और गेस्ट टीचर्स के लिए एक अच्छी खबर है, बहुत खुशी का माहौल है उनके लिए। लेकिन जो एचटेट पास कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बहुत ही दुख की बात है, वो काफ़ी निराश हो गए हैं। मेरी काफ़ी साथियों से बात भी हुई है तो काफ़ी निराश हो गए हैं, क्योंकि वो उम्मीद लगाए बैठे थे कि खट्टर सरकार उनके लिए वैकेंसी जरूर निकालेगी। लेकिन अभी आप देख पा रहे हैं, मतलब बहुत ही उनके साथ बहुत गलत हो रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप जानते होंगे वो साथी ऐसे भी हैं काफ़ी जिनका स्टेट इनवैलिड होने वाला है, जिसकी वैलिडिटी खत्म होने वाली है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट ने ये क्या बना रखा है, पैसे कमाने का जरिया बना रखा है। मतलब एस्टेट लेते क्यों अगर वैकेंसीज नहीं देनी तो। और अब ये बहुत मतलब मुश्किल की घड़ी आ गई उन एस्टेट पास कैंडिडेट्स के लिए। तो साथियों, बहुत मतलब दुख का वो लग रहा है मैटर, कि हालांकि कहीं ना कहीं गेस्ट टीचर्स हैं उनके लिए खुशी की बात है, लेकिन जो कैंडिडेट्स एस्टेट पास हैं उनको मतलब काफ़ी दिक्कत हो सकती है। क्योंकि इसमें क्या है, सिर्फ पीआरटी नहीं है, टीजीटी, पीजीटी सभी को वो पक्का करने जा रहे हैं। और पक्के होने के बाद जो ये साथी हैं टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी जितने भी हैं उनकी वैकेंसी निकालने के बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं रहेंगे। तो साथियों, ये अपडेट थी अभी आपके लिए, और जो भी होता है आपको आगे बता दिया जाएगा। लेकिन 13,746 गेस्ट टीचर अगर पक्के होते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि उन बच्चों के लिए भी थोड़ा सोचें जो बच्चे एस्टेट पास करके बैठे हैं, या फिर वो एस्टेट आप जो लेते हैं उसे बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आपको नौकरी नहीं देनी तो आप वो एस्टेट क्यों कराते हैं। तो साथियों, देखते हैं क्या होता है, जल्द ही कोई अपडेट आएगी उसके साथ दोबारा हाजिर होंगे। तो साथियों, आप ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको कोई भी इस तरह की अपडेट सबसे पहले चाहिए। तो गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।